गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, और जहां पे आज हम देखेंगे 6 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं, उसी के साथ कुछ फंडामेंटल स्टॉक्स है जो कि आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। जिन स्टॉक्स का जो फंडामेंटल्स है काफ़ी अच्छा है, वो भी आज हमारे केकेएल सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, तो ही आपको जो फंडामेंटल स्टॉक्स है और जो लेवल्स है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वीडियो को शेयर करना भूलना नहीं है। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए मतलब 6 अगस्त 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले 5 अगस्त 2024 को निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्पॉट में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके मूवमेंट के ऊपर एक नज़र डालते। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने हमने बैंक निफ्टी स्पॉट का डे वाइज चार्ट रखा है। अगर आप यहाँ पे मोमेंटम देखोगे तो ये देखिए, ये एक डे वाइज चार्ट है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई है। सो लगभग 700 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी। उसके बाद बैंक निफ्टी वहाँ से लगभग और 300 से 400 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद और नीचे गई। तो वो कहाँ तक गई, हम वो चार्ट में तो देखेंगे, बट लगभग बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपन हुई है। सो अभी हम एक चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं जो कि बैंक निफ्टी स्पॉट का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी स्पॉट के ऊपर डे वाइज चार्ट में अगर हम नज़र डालते तो आपको अंदाजा आ जाएगा। ये देखिए, हमने आपके सामने ये बैंक निफ्टी स्पॉट का जो चार्ट रखा है, ठीक है, ये देखिए। तो जिस कैंडल के ऊपर मतलब आज के दिन के कैंडल के ऊपर हमने कर्सर रखा है, और आज का जो लो है वो है 49,719 आज का लो, और आज का जो हाई किया है बैंक निफ्टी ने 50,747। तो गैप डाउन के साथ ही बैंक निफ्टी ओपन हुई, और उसके बाद 49,719 का बैंक निफ्टी ने लो किया। अब हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी ने जो लो किया है उसके आसपास पहले कहीं पे सपोर्ट था, मतलब प्रीवियसली कहीं पे वो मोमेंटम था जहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज के दिन सपोर्ट लिया है। तो वो कौन से दिन का जो सपोर्ट था वो आज हमें मिला है, अगेन हम उस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला हम जो कैंडल्स है, ये वाला पोर्शन जो कि फ्राइडे 14 जून का जो कैंडल्स था, तो उन कैंडल्स का अगर लो देखोगे, 14 जून और 12 जून के जो कैंडल्स है उनके अगर लो देखेंगे तो लगभग 49,693 का लो है कभी का फ्राइडे 14 जून 2024। मतलब जो 14 जून का जो लो था वो अभी भी हमारे लिए एज अ स्ट्रांग सपोर्ट आज वर्किंग हुआ, और वहाँ से हल्का सा एक बैंक निफ्टी ने में रिकवरी हमें देखने मिला है। सो फ्राइडे 14 जून का जो लो था वो, एंड जो फ्राइडे 12 जून का जो लो था जो कि 49,697, तो 693 और 692 ये लगभग दोनों सेम लेवल है, जो कि 12 जून और 14 जून का लो था वही लो आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, एज अ स्ट्रांग सपोर्ट, और वहाँ से बैंक निफ्टी ने एक हल्का सा रिकवरी दिया है। हम उसको तेजी नहीं बोल सकते, जो कि हम बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग उसमें आया है। तो अब हम देखेंगे कि कल के लिए मतलब 6 अगस्त के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए क्या लेवल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर चार्ट के बेसिस पे देखते हैं, सो आपके सामने हमने ऑलरेडी कुछ लेवल्स है, उन लेवल्स का हमने स्टडी करके रखा है चार्ट के बेसिस पे। सो करेंटली जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है वो है 50,092 के आसपास, ठीक है। अभी आपको देखना होगा कि ये जो 50,092 का लेवल है उसके डाउन साइड में बैंक निफ्टी को जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 49,693 का जो कि आज का लो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर के साइड में यहाँ से 50,438 का जो कि प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अब हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
सो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 50,092, ये लेवल से बैंक निफ्टी अगर 50,438 क्रॉस करती है तो वहां से एक तेजी मिल सकती है। तो ज्यादा पॉइंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट वहां से 300 से 400 पॉइंट की और एक शार्प मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। डाउन साइड में ऐसे हो सकता है कि शायद अगर फ्लैट ओपन होए बैंक निफ्टी स्पॉट और अगर नीचे आए तो 49,700 के आसपास अगेन बैंक निफ्टी क्या ले सकती है, सपोर्ट ले सकती है जो कि आज के लो के आसपास। और 50,438 अगर ऊपर जाते वक्त बैंक निफ्टी क्रॉस होता है तो वहां से लगभग हम बोल सकते हैं कि 400 से 500 पॉइंट की जो मोमेंटम है ऊपर के साइड में मिलने की संभावना है। तो ये तो हमने आज शॉर्ट में थोड़ा हमने देखा बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में, क्योंकि आज जो मोमेंटम हुआ है काफी शार्प मोमेंटम हुआ है जो कि गैप डाउन होने के बाद किसी को सेल करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। बट हम ये कहते हैं कि यहाँ से अगर कोई मोमेंटम होता है तो कौन से लेवल तक हो सकता है हमें ये जानना है। हमने हमारे पिछले केकेएल सीरीज में आपसे बोला था कि बैंक निफ्टी में एक डाउन स्लोड स्लोप है, इसके वजह से हमें एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, बट हमें ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी आज के दिन 750 से 800 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगी। बट क्या हुआ, जो हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ओपन होने के बाद फिर नीचे आएगी, बट वो क्या हुआ, आज डायरेक्टली बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के कारण ज़्यादा किसी को अपॉर्चुनिटी मिली होगी हमें नहीं लगता। बट यहाँ पे हमें जो लग रहा था कि जो सपोर्ट्स है वो लेवल्स पे आज बैंक निफ्टी ने शुरुआती सेशंस में जैसे कि मार्केट ओपन होने के बाद इमीडिएटली वो लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आज जाते हैं जो कि कल के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल्स है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने ट्यूसडे 6th of August 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट के हमने लेवल्स कैलकुलेट किए हैं। आज थोड़ा हम जो नजर डालेंगे ज्यादा बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे रादर देन बैंक निफ्टी चार्ट। तो बैंक निफ्टी चार्ट आज हमने शॉर्ट में देखा। अभी यहां पे अगर हम लेवल्स पे फोकस करते हैं तो ये देखिए 50,092 का बैंक निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग है, ठीक है 50,092। और कल के लिए मतलब 6th August के लिए जो हमने लेवल कैलकुलेट किया है तो 50% लेवल है 50,233 और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है नियर अबाउट 50,092, जो कि 50% के नीचे हमारे पास एक लेवल है 50,111, ठीक है ये लेवल है, तो इसके आसपास क्लोजिंग है। अभी ऐसे हो सकता है अगर बैंक निफ्टी को अगेन यहां से रिकवरी लेना है बाइंग के साइड, तो शायद ऐसे हो सकते कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए और थोड़ा सा नीचे आए, तो अगर उसको ऊपर जाना है बैंक निफ्टी स्पॉट को और फ्लैट ओपन हुई और नीचे आई तो नीचे कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, ये आप सभी को जानना जरूरी है। तो वो ही हम डिस्कस करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आता है तो नीचे 50,111 का एक पहला स्मॉल सपोर्ट होगा, देन 49,961 ये दूसरा सपोर्ट होगा। अगर नीचे आया बैंक निफ्टी नीचे आई तो 49,961 अगर क्रॉस होता है डाउन साइड तो जो आज का लो मतलब 5th August का जो लो है जो कि 49,719 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है। सो अगर बैंक निफ्टी, हमने क्या कंडीशन डिस्कस किया, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है थोड़ी तो नीचे कहाँ पे, हमने कहा कि 50,111 ये पहला सपोर्ट, सेकेंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो कि 49,961, अगर वो भी ब्रेक होता है डाउन आते समय तो 49,719 जो कि आज का लो है वो सपोर्ट होगा। अगर 49,719 ब्रेक होता है डाउन साइड तो फिर ट्रेंड अगेन उसका कल के लिए वापस चेंज हो जाएगा। बट हमें ये देखना जरूरी है कि अगर ये लो के आसपास अगर बैंक निफ्टी स्पॉट कोई बाइंग का पैटर्न या कोई बाइंग की कंडीशन बनती है तो अगेन वहां से रिवर्सल आने के चांसेस है। हालांकि आज थोड़ा सा रिकवरी दिया है बट कल क्या ओपन होगा ये हमें पता नहीं। हमने कंडीशन ये डिस्कस किया कि अगर फ्लैट ओपन होती है और वहां से नीचे आती है तो की कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमने डिस्कस किया कि अगर बैंक निफ्टी स्पॉट ये लेवल्स के आसपास, ये लेवल मतलब आज का लो और उसके ऊपर वाला एक 49,961 का लो, उस लेवल के आसपास अगर कोई बाइंग का पैटर्न बनता है, कोई कैंडलस्टिक बनती है तो आपके नॉलेज पे वहां से एक रिकवरी आने की चांसेस है।
तो ऊपर के लेवल में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई बाइंग के पैटर्न बना और बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते समय 50,233 का जो लेवल है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि कल के लिए 50% है। अगर वो भी क्रॉस करती है तो 50,354 का जो लेवल है वो आपके लिए सेकेंड लेवल होगा, देन 50,504 ये आपके लिए थर्ड लेवल होगा। अगर 50,504 भी क्रॉस होता है तो 50,747 जो कि आज का हाई, वो लेवल तक बैंक निफ्टी आने की चांसेस है। अगर वो लेवल भी क्रॉस हुआ ऊपर जाते वक्त, तो 50,990 एंड 51,140 ये लेवल तक बैंक निफ्टी आने की चांसेस है। हमने क्या डिस्कस किया, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा नीचे आई तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, और सपोर्ट लेके अगर उसने रिकवरी दिया, वहाँ पे कोई बाइंग का पैटर्न बना, तो बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकती है ये हमने डिस्कस किया। अब थर्ड वाला कंडीशन जो कि डाउन का, ठीक है, हमने दो बाइंग के कंडीशन डिस्कस किए। अब डाउन का कंडीशन, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 49,719 अगर क्रॉस करती है डाउन साइड, जो कि आज का लो, तो वहां से 49,476 आपके लिए पहला लेवल होगा, 49,326 आपके लिए सेकेंड लेवल होगा, 49,204 आपके लिए थर्ड लेवल होगा, और 49,204 भी डाउन साइड क्रॉस करता है तो 49,083 ये आपके लिए फोर्थ लेवल होगा। सो हमने यहाँ से 4 से 5 लेवल डाउन्स के और 4 से 5 लेवल ऊपर से आपके लिए डिस्कस किए हैं तीनों कंडीशन से। फ्लैट ओपन होके नीचे आके सपोर्ट लेना, देन वहाँ से रिवर्सल आना, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाना, और जैसे कि आज का लो अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक नीचे जा सकती है। सो आज हमने थोड़ा शॉर्ट में लिया। अभी निफ्टी स्पॉट की अगर आप नज़र डालते हो, ध्यान से देखना, तो निफ्टी स्पॉट का जो आज का क्लोजिंग है वो है 24,055, और कल के लिए मतलब 6 तारीख के लिए हमने जो 50% लेवल कैलकुलेट किया है वो है 24,121। तो अगर 50% को कंपेयर करते हैं तो आज का जो लो है वो 50% के नीचे, ये देखिए हमारे पास 24,068 का एक लेवल है, ठीक है, और जो आज का निफ्टी का क्लोजिंग आया है 24,055, मतलब इस लेवल के आसपास आया है। अभी अगर निफ्टी को रिकवरी देनी है बाइंग के साइड, तो शायद ऐसे हो सकता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए और वहाँ से थोड़ा नीचे आए, तो अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है कहाँ तक, 24,068, 24,001 और 23,893 जो कि आज का लो मतलब 5th of August का लो, वहाँ तक अगर आती है निफ्टी और वहाँ पे कोई बाइंग का कंडीशन बनता है आपके नॉलेज में, कोई बाइंग का पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक, तो वहाँ से रिकवरी का मोमेंटम, बाइंग की साइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है। कभी अगर बैंक निफ्टी आपकी फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है, देन नीचे आएगी, तो नीचे आने के बाद 24,068, 24,001 और 23,893 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और वहाँ पे कोई बाइंग का पैटर्न बनता है तो अगेन वहाँ से निफ्टी आपकी ऊपर जाएगी। ऊपर जाते वक्त अगर सपोर्ट बना और ऊपर जाते वक्त 24,121 आपके लिए क्रूशियल लेवल होगा कल के लिए, 6th of August के लिए। सो अगर 24,121 भी ऊपर जाते वक्त, मतलब नीचे से ऊपर जाते वक्त क्रॉस किया, तो 24,175 आपके लिए लेवल होगा, देन 24,175 क्रॉस करता है तो 24,242 एंड 24,350 जो कि आज का हाई था 5th of August का। अभी अगर वो क्रॉस हुआ 24,350 तो निफ्टी 24,457, 24,524 और 24,578 ये लेवल्स तक आ सकती है। आज जो एक्सट्रीम मोमेंटम हुई, इसीलिए हम भी थोड़ा निफ्टी का एक्सट्रीम मोमेंटम अप साइड में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं अगर रिकवरी आती है तो। अभी दो बाइंग के कंडीशन हो गए, जैसे कि निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, नीचे के सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहे हैं, ये हमने डिस्कस किया। एक डिस्कस किया कि निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, ये हमने थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे डिस्कस किया। हालांकि आपको यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स दिख रहे हैं, बट जो हमें लग रहा है उस तरह से हम ऊपर और अप और डाउन के 4 या 5 लेवल आपसे डिस्कस करें, तो आप ये जो लेवल्स है इसका आप स्टडी भी कर सकते हो। अभी तीसरा वाला कंडीशन, अगर
23,893 मतलब आज का निफ्टी का लो अगर ब्रेक होता है तो नीचे कहां तक आएगी, जो कि 23,893 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड तो 23,786, 23,719, 23,665, 23,611 ये लेवल तक आने की संभावना है। कभी अगर 23,893 ब्रेक हुआ तो की बात है, तो वहां से लगभग हम 893 से लेकर अगर 611 पकड़ते तो लगभग 250 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो 250 पॉइंट नीचे के हमने लेवल डिस्कस किए, कभी अगर लो ब्रेक होता है तो 23,611 के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर निफ्टी नीचे आती है तो वहां पे स्ट्रांग सपोर्ट है कल के लिए, परसों के लिए शायद अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सो हमने आज आपके सामने निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के जो लेवल्स है उस पर थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन किया। चार्ट के ऊपर गैप डाउन होने की वजह से आज हम उतना एक्सप्लेनेशन में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने हमारे पिछले तीन से चार केकेएल सीरीज में कंटिन्यूसली आपको कहा था कि वहाँ से डाउन स्लोप बन रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी हमें वीक लग रही है, ठीक है। तो जो हमारा रेगुलर केकेएल सीरीज पूरा देखते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हम उस उन सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद चाहते हैं जिन्होंने हमें मैसेज करके, कॉल करके, रिप्लाई पे कमेंट करके उन्होंने हमें मैसेज किया कि जो सर आपने लेवल्स दिया था वो काफ़ी अच्छा वर्किंग हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, ऐसे ही आपका सपोर्ट आगे भी चाहिए हमें। और एक हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके हमारे यहाँ पे तो हम नॉलेज दे ही रहे, बट अगर आपको और नॉलेज गेन करना है तो हमारे जो ETI के कोर्सेस है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके जो हमारे ETI के कोर्सेस है उस पर भी आप जानकारी ले सकते हो, ताकि आपके नॉलेज में और थोड़ा गेन होगा, यही हमारा एक इच्छा है। ताकि हम जो यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से तो नॉलेज दे ही रहे, बट जो हमारे ETI के कोर्सेस है उसकी जानकारी लिए हम नीचे एक डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, उस पर आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। अब आज हम जो हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल स्टॉक्स है, मतलब आने वाले समय के लिए, फिलहाल अभी मार्केट टॉप पे था इसीलिए आपने भी देखा होगा कि जो हम स्टॉक्स नॉलेज पर्पज से आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग जो स्टॉक्स है जिनका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत, मतलब जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऐसे स्टॉक्स हम आपसे नॉलेज पर्पज के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम जो फंडामेंटल स्टॉक्स हमें लग रहे कि अच्छे हैं, आने वाले 2-3 महीने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा पहला स्टॉक है जो कि इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड, स्टॉक का नाम है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड। अगर ये स्टॉक का आपने फंडामेंटल्स देखा काफ़ी अच्छे है, मतलब एकदम बुरे भी नहीं है बट एवरेज है, काफ़ी अच्छे है। सो पेग रेशो भी काफ़ी अच्छा है, करेंट रेशो भी जो रिक्वायर होता है वैसे है, अच्छा है। मार्केट कैप 3610 करोड़ है, मतलब ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम इंडस्ट्रियल पी और स्टॉक का पी अगर कंपेयर करते हैं तो वो भी अच्छा है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड, ये डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, जो कि हम बोलते हैं कि डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स है वो शायद थोड़ा कम मोमेंटम करते हैं, उसी तरह का ये स्टॉक है जो कि इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड। डिविडेंड यील्ड 2.24% है। देन स्टॉक का हाई और लो, जैसे कि 52 वीक हाई और लो हम देखते हैं तो 880 का हाई किया है और 329 का लो किया है, और करंटली ये जो स्टॉक चल रहा है अराउंड 669 के आसपास चल रहा है। आज ये 315 मतलब 3:15 का रेट हमने अपडेट किया है, आज का ही है रिसेंटली। सो ये तो और कुछ रेशोज थे, और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी देखते हो तो काफ़ी अच्छा है प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी लगभग 4% के आसपास है। सो ROCE, ROE, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा 73.6 है। डेट टू इक्विटी रेशो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी को, पर डेट जो है वो काफ़ी कम है। सो ओवरऑल अगर आप इसका फंडामेंटल्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स है। स्टॉक का नाम है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड। अब ये कंपनी करती क्या है, एक हम थोड़ा शॉर्ट में इसके ऊपर नज़र डालते हैं। सो ये स्टॉक के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड भारत में फेरो क्रोम का एक अग्रणी
पूर्णतः एकीकृत उत्पादन है जिसका उपयोग हम मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है और इसकी स्थापना 1961 में हुई है। सो कंपनी कितनी पुरानी है दोस्तों देखिए। सो इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड जो कि भारत में फेरोक्रोम का एक अग्रणी पूर्णतः एकीकृत उत्पादन है और जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है और इसकी स्थापना 1961 में हुए। बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स है। सो लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव जैसे कि हम बोलते हैं एक साल दो साल, वैसे भी ये हमारे नॉलेज पर्पज से अच्छा हमें लग रहा है। अभी हम इसके अगर की पॉइंट्स देखेंगे, बिजनेस के सेगमेंट्स देखेंगे तो कंपनी भारत की सबसे बड़ी पूर्णता एकीकृत फेरोक्रोम निर्माता और भारत में फेरोक्रोम की अग्रणी उत्पादन के रूप में उभरी है जिसका उत्पादन में 20% और निर्यात में 25% हिस्सा है और निर्यात मुख्य रूप से चीन, जापान और ताइवान को होता है। सो इसका निर्यात कहाँ पे होता है, जिसका उत्पादन 20% और निर्यात 25% का हिस्सा है, निर्यात मुख्य रूप में चीन, जापान और ताइवान में होता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। सो काफ़ी अच्छा ये एक फंडामेंटल्स है, कंपनी भी काफ़ी पुरानी है हमने आपसे देखा। तो जियोग्राफिकली अगर हम स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए, सो डोमेस्टिक है 4% और एक्सपोर्ट है 96%। ठीक है, अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स बेस देखते हैं। सो कंपनी पोस्को समूह में यूनाइटेड समूह, देन जेंसी समूह और मारुबेनी कॉरपोरेशन जापान जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां के अलावा जिंदाल स्टेनलेस ये भी इनके क्लाइंटल बेस है, देन रिमझिम इस्पात ये भी इनके क्लाइंटल बेस है, बीआरजी स्टील ये भी इनके क्लाइंट बेस में है, AIA इंजीनियरिंग आपने भी सुना होगा नाम, ये भी कंपनी इनके क्लाइंटल बेस में है, और विराज प्रोफाइल आदि जैसे प्रमुख घरेलू स्टेनलेस स्टील मतलब जो इंडियन कंपनीज है वो भी इनके क्लाइंटल बेस में है। हमने इनका बिजनेस मॉडल भी आपसे थोड़ा डिस्कस किया है। सो काफ़ी अच्छी कंपनी हमें बिजनेस प्रोस्पेक्टिव लग रही है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है जो कि हमें फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, वो स्टॉक का नाम है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विस लिमिटेड। आपके सामने है स्टॉक का नाम है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विस लिमिटेड। करंटली आज 324 का ही हमने रेट अपडेट किया है, तो करंटली स्टॉक 549 के आसपास चल रहा था। ठीक है, इसके फंडामेंटल्स के ऊपर हम अगर नज़र डालते तो पेग रेशो भी काफ़ी अच्छा है जो हमें रिक्वायर था, करंट रेशो भी काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है, मार्केट कैप 3239 ये भी हमारी स्मॉल कैप कंपनी है, देन फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, इंडस्ट्रियल पी और स्टॉक के पी को अगर कंपेयर करते तो वो भी अच्छा है वैल्यूएशन वाइज, डिविडेंड यील्ड 0.89% है, ये भी कंपनी थोड़ा डिविडेंड देती है। अगर 52 वीक हाई और लो के ऊपर नज़र डालते तो इसका 52 वीक हाई 792 है और लो है 450, तो लगभग लो के आसपास कंपनी है। ठीक है, थोड़ी इसकी मोमेंटम स्लो है बट लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव जो फंडामेंटल्स है वो इसके अच्छे, बिजनेस मॉडल भी कैसा है वो भी हम थोड़ा नज़र डालते हैं अभी। सो प्रॉफिट ग्रोथ ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है बट सेल्स ग्रोथ एवरेज है 1.93 है। खाली प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ हम नहीं देखते बट बाकी के भी अगर हम फंडामेंटल्स देखते तो अच्छी है बट एवरेज इसका जो मोमेंटम है थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू अदर्स। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है 66.4%, ROCE ROE दोनों भी अच्छे हैं, एवरेज है। डेट टू इक्विटी अगर रेशो देखते हैं तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है 0.01% है। सो ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब कंपनी करती क्या है उसके ऊपर एक थोड़ा नज़र डालते हैं। सो डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी करती क्या है, डेटामेटिक्स एक डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल ऑपरेशंस और डिजिटल एक्सपीरियंस कंपनी है जो उद्यमों को अपने उत्पादकता, ग्राहक अनुभव और प्रतिस्पर्धी जो लाभ को बढ़ाने के लिए डिजिटल में गहराई से जाने में सक्षम बनाती है। डेटामेटिक्स उद्योगों में उत्पादक और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रासंगिक डिजिटल तकनीकों को संयोजित करने के लिए सक्षम बनाते हैं ये कंपनी,
और ताकि स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ का निर्माण किया जा सके। की पॉइंट्स अगर इसके हम सर्विस ओरिएंट्स देखेंगे तो कंपनी मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिक आईटी समाधान, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, बिग डेटा और इंजीनियरिंग सेवाओं को तहत वर्गीकृत करने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। देन रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम इसका देखेंगे, सो डिजिटल टेक्नोलॉजी से इन्हें 41% का रेवेन्यू आता है, डिजिटल ऑपरेशन से इन्हें 43% लगभग रेवेन्यू आता है, डिजिटल एक्सपीरियंस से लगभग इनको 16% रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्री वाइज अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से इन्हें लगभग 26% रेवेन्यू आता है, देन एजुकेशन एंड पब्लिशिंग से लगभग 13% इन्हें रेवेन्यू आता है, टेक एंड कंसल्टेंसी से इन्हें लगभग 24% रेवेन्यू आता है, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट से लगभग 11% इन्हें रेवेन्यू आता है इंडस्ट्री वाइज, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा लॉजिस्टिक से लगभग 12%, रिटेल से लगभग 10% और अदर्स से लगभग 4%। सो रेवेन्यू ब्रेकअप हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस और एक्सपीरियंस से वो भी हमने डिस्कस किया, उसके साथ इंडस्ट्री वाइज आपसे हमने डिस्कस किया। जियोग्राफिकली अगर हम डिस्कस करते हैं तो यूएसए से 54% का इन्हें रेवेन्यू मिलता है, देन इंडिया से 24%, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यूएस से इन्हें मिलता है जो कंपनी है, यूके और यूरोप से 13% एंड रोस से 9%। क्लाइंटल कौन से है, द कंपनी हैज 300+ क्लाइंट्स, कंपनी के पास 300+ क्लाइंट्स है, एंड इट एडेड 12 न्यू क्लाइंट्स इन क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, 12 नए क्लाइंट्स ऐड हो गए, ऑलरेडी 300+ क्लाइंट्स है प्लस 12 न्यू क्लाइंट्स एडेड इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 क्वार्टर 3। ठीक है, अभी ऑफिस लोकेशन अगर हम देखते हैं तो कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय यूएस है, जैसे कि इनका जो रेवेन्यू है वो भी काफी यूएसए से आता है, सो कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय यूएसए, यूके, देन मॉरिशस, फिलीपाइंस, यूएई में स्थित है, भारत में कार्यालय मुंबई, बैंगलोर और नासिक में स्थित है। ठीक है, तो हमने इनके ऑफिस भी कहाँ कहाँ पे है, नॉर्मली यूएस के यहाँ पे जो ऑफिसेस है यूएस में वो भी ऑफिस है, तो हमने ऑफिस लोकेशंस भी आपसे डिस्कस किए हैं। सो ओवरऑल ये था हमारा 6th of August के लिए, ये जो दो फंडामेंटल स्टॉक्स हमने डिस्कस किए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए शायद 6 महीने के लिए, 2 या 3 महीने के लिए भी आप इसे होल्ड कर सकते, डिपेंड अपॉन मार्केट मोमेंटम, हमें हमारे नॉलेज पर्पज से हमने आपसे डिस्कस किया। इसके पहले भी आपको हमने बहुत सारे स्टॉक्स नॉलेज के पर्पज से डिस्कस किए थे, उन बहुत सारे स्टॉक्स का एक अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है, हालांकि आज मार्केट डाउन होने की वजह से शायद कुछ स्टॉक्स थोड़े नीचे आए होंगे, तो ओवरऑल मार्केट ही आज डाउन था, उसी वजह से स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे था, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। सो काफ़ी अच्छा डिस्कशन आज हमारा रहा, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 6th August 2024। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।